अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे पास ऑक्सफर्ड की मैथ वाइस बुक 4 है। आज हम लोग यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 2 है नंबर्स एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन। इस यूनिट में हम नंबर्स और अर्थमेटिक ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1 आपके पास बुक पेज नंबर 8 पर मौजूद है। क्वेश्चन आपको दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग। नंबर 1 है, विच नंबर्स हैव 4 इन द 10,000 प्लेस। तीन नंबर्स आपको दिए गए हैं, इन तीन नंबर में जो 4 की वैल्यू है आपने बताना है इसमें से वो कौन सा 4 है जो 10,000 प्लेस पर आ रहा है। आपने इस तरह से अपने कॉपी के पेज को मेंटेन करना है। सबसे पहले यूनिट नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 1 और डेट को मेंशन करना है। सी डब्ल्यू यहाँ पर आप लोग मेंशन करेंगे के बाद विच नंबर है 4 इन 10,000 प्लेस। हमने बताना है कौन सा 4 जो है वो 10,000 प्लेस में आ रहा है। सबसे पहले हम सबसे पहले नंबर को लिखेंगे, इसका स्केल बनाएंगे सबसे पहले ताकि आप लोगों को सॉल्व करने में आसानी हो जाए। इसके ऊपर लिख देंगे यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000। इसके बाद इसे आप कवर कर लेंगे, स्केल कंप्लीट प्रॉपर तरीके से बनाएंगे। नेक्स्ट नंबर आप लिखेंगे 5, 6, 4, 9, 8, 0। प्लेस वैल्यू लिखेंगे इसकी, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000। लाइंस आप लोग स्केल से लगाएंगे ताकि आपका काम सफाई से हो। अब थर्ड वैल्यू अपनी उतार लें आप लोग, 6, 4, 5, 000। इसके ऊपर भी प्लेस वैल्यू लिखें, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000। अब आपने इसमें देखना है 4 की प्लेस वैल्यू को। ये 4 कहाँ पर आ रहा है, 10,000 प्लेस में। और इसमें पूछा गया है कि आपने बताना है कौन सा 4 है जो 10,000 प्लेस में आ रहा है। सबसे पहले आप यही वाली वैल्यू लिख देंगे, 645,762। नेक्स्ट ये वाला 4 आपके पास 1000 में आ रहा है इसलिए ये वैल्यू आप नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट ये वाला 4 जो है ये भी आपके पास 10,000 प्लेस में आ रहा है इसलिए ये नंबर भी आप नीचे लिख देंगे, 645,000। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, गिव द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ। आपने इस नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले आप अपना नंबर फर्स्ट नंबर लिखेंगे जो कि आपको 5 दिया गया है। इसके बाद जितने भी नंबर्स हैं उतने आपने 0 लगाने हैं काउंट करके। कितने नंबर्स हैं काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर आप 5 0 लगा देंगे। जब हम नेक्स्ट वैल्यू सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट नंबर इसका सॉल्व करते हैं तो सेंटर में प्लस का साइन आता है। ये एक्सपेंडेड फॉर्म का रूल है, आपने लास्ट में ये प्लस का साइन लगाना है, एडिशन का साइन लास्ट में आएगा। फिर आप अपना नेक्स्ट नंबर देखेंगे, नेक्स्ट नंबर क्या है, 6। 6 लिख देंगे यहाँ पर, 6 के बाद कितने नंबर्स हैं काउंट करें, 1, 2, 3, 4। 4 नंबर्स हैं, आप लोग यहाँ पर 4 0 लगा देंगे। नेक्स्ट आपके पास 1 है, 1 लिखा आपने, 1 के बाद कितने नंबर्स हैं,
वन के बाद कितने नंबर्स है? 1, 2, 3, यहाँ पे 3 0 लगा देंगे, अगेन एडिशन का साइन आएगा, ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, ज़ीरो इसी तरह से उतारेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास 9, 9 के बाद कितने नंबर्स हैं? एक ही नंबर है इसलिए एक ही ज़ीरो आएगा, अगेन एडिशन का साइन और लास्ट नंबर एज इट इज़ आ जाएगा। ये एक्सपेंडेड फॉर्म होती है कि आपने फर्स्ट नंबर लिखना है, उसके बाद जितने नंबर्स होंगे उतने ज़ीरो आएंगे, फिर नेक्स्ट नंबर उसके बाद जितने नंबर्स होंगे उतने ज़ीरो लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है 4, 5, 6, 8, 0, 7। आपको इस डायरेक्ट इन्वर्ट्स में लिखना नहीं आएगा, इसलिए आप इसे पहले प्लेस वैल्यू में लिखेंगे। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 स्केल आपने बना लिया, स्केल से ही बनाना है आपने, ताकि आपका काम साफ सुथरा लगे, गंदा गंदा ना लगे। अब आप इसे इनवर्ट्स में लिख लेंगे। सबसे पहले 4 आपके पास किस में मौजूद है? 100 में मौजूद है, इसलिए 400। 56 आपके पास 1000 में मौजूद है, इसलिए 56,000। उसके बाद 8 आपके पास 100 में मौजूद है, इसलिए 800। एंड अगर यहाँ पर 1 होता तो 17 होता, 2 होता तो 27 होता, यहाँ पर 0 है इसलिए खाली हम यूनिट की वैल्यू को लिखेंगे एंड 7। यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपके पास, गिव द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। आपने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब आपको इनवर्ट्स में दिया गया है तो आपको इसे सिंपल नंबर्स में लिखना है। आप अगर स्केल बनाना चाह रहे हैं तो स्केल भी इसका बना सकते हैं, मैं आपको स्केल बनवा देती हूँ। ताकि आपको पता चल जाए ये वैल्यू हमने सही लिखी है। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 10,000,000, 100,000,000। नेक्स्ट है आपके पास 892,046,710। आपने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, सिंपल नंबर्स में लिखना है। 892,046,000। अब 100,000 में नहीं आ रहा, इसलिए 100,000 में ज़ीरो आ जाएगा, 46,710। इसके ऊपर हम यूनिट प्लेस भी लिख देते हैं। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 10,000,000, 100,000,000। अब आप लोग देख लें, 892,046,710 ये आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब हम यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है आपके पास, राइट इनवर्ट्स। आपने इसे इनवर्ट्स में लिखना है, नंबर उतार लें सबसे पहले,
अपने पास रिप्लेस वैल्यूज के ऊपर लिखें ताकि आपको इनवर्ट्स में लिखने में आसानी हो। प्लेस वैल्यू लिखें यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000। अब आप लोग इसे इनवर्ट्स में लिख लें। टू आपके पास किस में मौजूद है? मिलियन में मौजूद है, इसलिए आप यहाँ लिख देंगे 2,000,000। नाइन आपके पास हंड्रेड में मौजूद है, इसलिए 900। 66 आपके पास थाउजेंड में मौजूद है, इसलिए 66,000। 8 आपके पास 100 में मौजूद है, 800। एंड टेंस में आपके पास मौजूद है 50, इसमें यहाँ लिख देंगे एंड 50। एक्सरसाइज नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है आपके पास, पुट कॉमास अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू चार्ट। आपने कॉमास लगाने हैं अकॉर्डिंग किसके? पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू चार्ट के। पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू चार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है एंड राइट इनवर्ट्स, और आपने उसे इनवर्ट्स में लिखना है। सबसे पहले आप पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू का चार्ट बना लेंगे। ये चार्ट आपने बनाना है। पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू का चार्ट किस तरह से डिफरेंट है? सबसे पहले आपके पास यूनिट आता है 10, 100, 1000, 10,000। 10,000 के बाद 100,000 नहीं आता पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू चार्ट में। 10,000 के बाद आता है लैख, लैख के बाद आता है 10 लैख, और 10 लैख के बाद आता है करोड़। अब करोड़ जब आ जाता है तो आप एक कोमा करोड़ के बाद लगाएंगे, एक लैक्स के बाद और एक थाउजेंड के बाद। यानी कि जब करोड़ की बात पूरी हो जाए कोमा आएगा, लैक्स की बात पूरी हो जाए, थाउजेंड्स पूरे हो जाए, तब कोमाज आएंगे। अब आपने इसे इनवर्ट्स में लिखना है। फाइव किस में है आपके पास? करोड़ में, इसलिए 5 करोड़, और साथ साथ कोमास पुट करते जाएंगे। लैक में क्या है? 67, यहाँ लिखेंगे 67 लैक। कोमा थाउजेंड में है 88। हंड्रेड और टेंस में कुछ नहीं है, यूनिट में 4 है, इसलिए एंड 4। नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 6 सॉल्व करेंगे। अरेंज ईच सेट इन असेंडिंग ऑर्डर। आपने इन नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है, अरेंज करना है इसको असेंडिंग ऑर्डर में। यानी सबसे पहले आप सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर। अब ये वैल्यूज इतनी बड़ी हैं कि आपको इजीली समझ में नहीं आएंगी, इसलिए आप इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? आप इसका पहले चार्ट बना लें। आप नंबर लिखें, आपको क्या नंबर दिया गया है? सबसे फर्स्ट नंबर है 1, 8, 3, 2, 0, 2, 0, 0। चार्ट बनाए आप इसका, यूनिट 10, 100, 1,000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 10,000,000। नेक्स्ट नंबर लिखें अपना 8, 1, 6, 3, 0, 4, 5, 0, यूनिट 10, 100, 1,000, 10,000, 100,000।
मिलियन 10 मिलियन। अब नेक्स्ट 8 0 1 4 300 यूनिट 10 100 1000 10000 100000 मिलियन। अब इसे आप लोग अरेंज कर लें असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले आपको नजर आ गया होगा सबसे छोटा नंबर कौन सा है, मिलियन में जो दिया गया है। उसके बाद दोनों जो नंबर हैं वो 10 मिलियन में से सबसे छोटा नंबर क्या है आपके पास, 8 मिलियन। ये वैल्यू आप सबसे पहले उतार लेंगे। उसके बाद दो वैल्यूज हैं आपके पास जो कि 10 मिलियन में दी गई है। अब ये जो है ये 1 मिलियन है और ये 8 मिलियन है। 8 छोटा होता है या 1, आपको पता है 1 छोटा होता है, इसलिए नेक्स्ट वैल्यू आप क्या उतारेंगे, फर्स्ट वाली वैल्यू। अब लास्ट में आपको पता चल गया है लास्ट वैल्यू कौन सी आएगी, आप लास्ट वैल्यू अपनी उतार लें। मैं आपको यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 7 सॉल्व करवा रही हूँ। क्वेश्चन आपके पास मौजूद है, अरेंज इन कॉलम्स एंड फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर। आपने इसको कॉलम में अरेंज करना है और इन नंबर्स को सम करना है। सबसे पहले आपके पास जो नंबर 1 मौजूद है वो आप एज इट इज उतार लेंगे, 489,467। और जब नेक्स्ट नंबर उतारेंगे तो आप लास्ट नंबर के नीचे से नंबर उतारेंगे ताकि आपको पता चल जाए कोई नंबर आपका आगे पीछे ना हो जाए। ये आप ये नंबर सेकंड वाला उतार लेंगे, जहाँ पर कोमा मौजूद है आपने भी एज इट इज़ कोमा वहाँ पर लगाना है। एडिशन का साइन लगाएंगे, एडिशन का साइन लगाया अब हम इन नंबर्स को आपस में ऐड कर लेंगे। 7 में 2 को ऐड करें, 7 में 2 ऐड करेंगे तो आपके पास 9 हो जाएगा। 6 में 3 को ऐड करें, 6 में 3 को आप ऐड करेंगे 9। 4 में 2 ऐड करें, 4 में 2 ऐड किया 6। कोमा एज इट इज़ लगाया आपने, 9 में 0 ऐड करेंगे 9 ही रहेगा। 8 में 1 ऐड किया 9, 4 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है, 4 एज इट इज़ आ जाएगा। सिंपल एडिशन का सवाल है, आपने इसे ऐड करना है। नेक्स्ट है आपके पास, आपने इन नंबर्स को अरेंज करना है। सबसे पहले 178,971 नेक्स्ट नंबर अब आप उतारेंगे, लास्ट से उतारना शुरू करेंगे ताकि बिल्कुल एज इट इज़ नंबर के नीचे आपके पास नंबर मौजूद हो और आपको एडिशन में मुश्किल ना हो। नंबर्स आप लोग देखकर उतारेंगे, कोई भी नंबर अगर आप लोगों ने गलत उतार लिया तो आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। इसको भी आप लोग ऐड कर लेंगे। अब आप लोग इसे सिंपल ऐड कर लेंगे, 1 ऐड किया 2, 2 में 2 ऐड किए 4, 4 में 8 ऐड किए 12, नीचे आ गया 1 ऊपर 7 में 1 ऐड किए 8, 8 में 6 ऐड किए 14, 14 में 1 ऐड किया 15, 15 में 7 ऐड किया 22, 2 नीचे 2 ऊपर कैरी चला गया। 9 में 2 ऐड किया 11, 11 में 5 ऐड किए 16, 16 में 4 ऐड किया 20, 20 में 1 ऐड करेंगे तो 21, 1 नीचे 2 ऊपर कैरी चला गया। 8 में 2 ऐड किए 10, 10 में 6 ऐड किए 16, 16 में 2 ऐड किए 18,
एट नीचे आ गया, वन ऊपर कैरी चला गया। सेवन में वन ऐड किया एट, एट में वन ऐड किया नाइन, नाइन में एट ऐड किया सेवनटीन, सेवनटीन में थ्री ऐड किया ट्वेंटी, ज़ीरो नीचे टू ऊपर कैरी चला गया। टू में वन ऐड किया थ्री, थ्री में फोर ऐड किए सेवन। आपने इसे सिंपल ऐड करना है। जज़ाकअल्लाह।